जब आमिर खान लाइफ के उस मोड़ पर खड़े थे जहां सिर्फ दर्द और दर्द बेहिसाब था। स्मूथ चलने वाली लाइफ की गाड़ी ने पटरी से ट्रैक चेंज कर लिया था और आमिर का दिल टूट चुका था। लेकिन उस वक्त में एक व्यक्ति जिन्होंने उस टाइम आमिर की इन सब चीजों से डील करने में मदद की, वो और कोई नहीं बल्कि सलमान खान थे। दरअसल आमिर और उनकी वाइफ रीना ने 2002 में डिवोर्स लिया था, जिसके बाद आमिर खान टूट चुके थे और इन सब से डील कर रहे थे। तभी सलमान खान उनकी लाइफ में आए थे मसीहा बनकर, और इस बारे में आमिर ने खुद ओपन अप होते हुए कॉफी विद करण शो में बताया था। तो अपने डिवोर्स और सलमान खान संग इक्वेशन पर क्या कुछ कहा था आमिर खान ने, आइए जानते हैं। दरअसल कॉफी विद करण में आमिर खान ने बताया था कि एक वक्त पर वो सलमान खान से दूरी बनाना चाहते थे, लेकिन तलाक के वक्त सलमान ने उनकी हेल्प की थी तो दोनों के बीच की इक्वेशन चेंज हो गई। आमिर ने कहा था, अंदाज अपना अपना, मिस सलमान के साथ काम करने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब था। मुझे सलमान बहुत पसंद नहीं आया था, मुझे वो बहुत एरोगेंट और दूसरों का केयर ना करने वाला लगा था। आमिर ने आगे बताया था, सलमान मेरे लाइफ में तब आया जब मैं अपने लाइफ के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा था। मेरा रीना से डिवोर्स हुआ था और उस दौरान सलमान खान मेरी हेल्प के लिए सामने आया। इसके बाद हम एक बार फिर मिले, इसके बाद हमने साथ में ड्रिंक पी और एक बार फिर दोस्त बन गए थे। यहीं से हम दोनों की दोस्ती की एक अच्छे बॉन्ड की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि आमिर खान ने अपनी पहली शादी एक्ट्रेस रीना दत्ता से की थी, लेकिन शादी के 16 साल बाद दोनों का तलाक हो गया था। कपल के दो बच्चे ईरा खान और जुनेद खान हैं। इसके बाद 28 दिसंबर 2005 को आमिर ने अपनी दूसरी शादी किरण राव से की। शादी के करीब 6 साल बाद 2011 में सरोगेसी के जरिए किरण राव को आजाद नाम का एक बेटा हुआ। वहीं शादी के 15 साल बाद आमिर और किरण का भी डिवोर्स हो चुका है। खैर, सलमान और आमिर खान की दोस्ती आपको कैसी लगती है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।